गाइस सिर्फ दो मिनट में गैस और कब्ज से छुटकारा। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सारी समस्याएं ही खत्म कर देंगी। आपको भी क्या खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, गैस की समस्या है, या आपको खाना खाते इतना हेवीनेस लगता है कि आपका पूरा खाना जैसे ऊपर आ रहा हो, या खाना खाने के बाद में पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आपका पेट एकदम से फूलने लगता है, आपको भारीपन होने लगता है, आपका सर घूमने लगता है, खट्टी डिकारे आती है, या आपको चेस्ट में जलन होना शुरू हो जाती है। अगर ये सारी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो आज के सिर्फ दिए हुए दो मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों का अगर डाइजेशन अच्छा होता है तो हम हर चीज इंजॉय कर पाते हैं, कोई भी खाना, अपनी लाइफ, छोटी सी खुशी को भी बहुत अच्छे से जी पाते हैं, क्योंकि जब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम इंटरनली अच्छा फील करेंगे तो हर चीज हमें बहुत ही खुशनुमा लगेगी। एसिडिटी से बचने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सुबह उठते हैं तो एक गोली फट से खा लेते हैं। किस लिए? उनसे पूछा जाए कि हमारी एसिडिटी शांत रहेगी और पूरा दिन मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, नहीं तो एसिड बनने से मेरा सर घूमने लगता है, सर में बहुत दर्द होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो आप दवाई खा रहे हैं वो आपकी एसिडिटी को दबा रहा है, ना कि खत्म कर रहा है? और अगर जो एसिड आपकी बॉडी में पनपता रहेगा, पनपने से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आपको गाउट की समस्या हो सकती है, आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, आपको जो घुटनों का दर्द होता है, मांसपेशियों का फूलना, आपको कब्ज की समस्या, ये सारी प्रॉब्लम, जोड़ों का कमर दर्द, ये सारी समस्याएं आपके बॉडी में एसिड के बढ़ने से होती है। अगर आपके बॉडी में एसिड पनपेगा तो आप कभी भी इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे, और बल्कि फ्यूचर में अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं तो फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम आपको घेर लेंगी और तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिजिकली भी थोड़े कम एक्टिव हो जाएंगे और आपका धीरे धीरे इम्यून भी गिरने लगेगा, क्योंकि हमारी एज के साथ हर चीज़ें कम होने लग जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं और एक योग आसन बताऊंगी जो आपकी सारी समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर देगा। गाइस अब हम बात करेंगे पहली चीज पर, पहली बीमारी, यानी अगर आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, खट्टी डिकारे आती हैं, आपका पेट एकदम से फूल जाता है खाना खाने के बाद, या पूरा दिन आपको ऐसा ही फील होता है, तो उसके लिए आपने कौन से प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर देना है आप वो देखिए। आपने जो ये लाइन होती है हमारी हथेली की, यहाँ से कट जा रहा है, आपको इस चीज को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, इस तरीके से आप इसको प्रेस करिए, बहुत जोर से भी नहीं कि आपको पेन हो जाए, लेकिन हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसको प्रेस करिए। आप जैसे जैसे प्रेशर देंगे, रोजाना 2 से 3 मिनट अगर आप इसको प्रेशर देंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जितनी भी एसिडिटी की समस्या थी वो एकदम से खत्म होती जा रही है। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, तो भी आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। आपने ये 2 से 3 मिनट दे दिए इस तरीके से दोनों हाथों पर। अब अगर आपको ये समस्या है तो इसमें आपने फाइबर युक्त खाना खाना है, जैसे गाजर हो गई, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और आटा आपको पैकेट वाला नहीं बल्कि आपको चौकर वाला खाना है। आपने खुद से गेहूं, हो सके पॉसिबल तो वो गेहूं खुद से पिसवाइए, मतलब आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए ना वरदान होता है। पहले की चीजें हम जितनी अवॉइड करें ना मॉडर्निटी में आके, उतनी ही हम समस्याओं से घिरते जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चेस्ट में जलन की, और आपको हमेशा हेवीनेस और पेट आपका एकदम खाते सख्त हो जाता है, आपका पेट बहुत हार्ड है, आपको पेट में हमेशा से पेन रहता है, तब आपने क्या करना है? इस चीज में आपने राइट हैंड लेना है और ऊपर उसका जो कट होता है ना, आप ये देख रहे हैं ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर, इसको ट्विस्ट करना है आपने, इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से जो हमारे यहाँ के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपको ये हेल्प करेंगे आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में, आपको जो हेवीनेस होता था आप एकदम से लाइट लाइट फील करेंगे। और अगर आपको एसिडिटी की या आपको खट्टी डिकारों की, आपको बहुत जो हेवीनेस फील होता है, पेट सख्त है, पेट में दर्द है, या कब्ज की समस्या है, और लेफ्ट हैंड में यही चीज हमने इंडेक्स फिंगर पर करनी है, उसका अपर पोर्शन हम ट्विस्ट करेंगे। और अगर बहुत पुरानी एसिडिटी की समस्या है, ब्लॉटिंग है, पेट में दर्द है, तो सेकंड वाला हम लाइन ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से हम ट्विस्ट करेंगे, तो इससे आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। अब इसके साथ हमें करना है एक योग आसन जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। इस तरीके से पहले आप लेट जाइए, लेटने के बाद अपने घुटनों को धीरे से ऊपर लेके जाइए,
अपनी छाती तक जितना आपसे हो सके। अगर आपका वजन ज्यादा है, पेट ज्यादा है, तो आप ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे। और अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपनी नाक को अपने घुटने से और माथे को अपने घुटने से टच करने का ट्राई करिए। कुछ देर के लिए अपनी पोजीशन इस तरीके से रखिए और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए। ऐसा आप 2 से 3 बार या 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। जितनी देर के लिए आप होल्ड रखेंगे अपनी पोजीशन को, आप उस पोजीशन में रहेंगे, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि जितने भी आपकी डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं थी, खट्टी टिकारें, आपके जितनी भी प्रॉब्लम थी, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, पेट में दर्द होता था, हमेशा आपको लगता था वॉमिटिंग आ रही है, या आपका पेट एकदम से फूल जाता था गुब्बारे की तरह, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, तो आप समझिए कि आपको कभी भी स्किन की कोई भी डिजीज़ नहीं होंगे, पिंपल्स नहीं होंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहेंगी, आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद हमें फॉलो करना है दूसरा आसन, जिसका नाम है व्रज आसना। तो पहले आप इस तरीके से पोजीशन में बैठ जाइए, अपनी लेग्स को पीछे फोल्ड करिए और एडी जो है, अपने हिप्स जो है वो एडी पर रखिए। इस तरीके से पैरों के अंगूठे एक के ऊपर एक चढ़ा लीजिए, कमर को अपना सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ अपने घुटने पर रख लीजिए। और इस तरीके से अपनी कमर सीधी करके कम से कम आप कोशिश करिए कि कुछ सेकंड से ट्राई करके उसको मिनटों पर लेकर जाएं। जैसे जैसे आप खाना खाने के 15 मिनट बाद इन दोनों आसन को करेंगे, तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन एकदम मस्त हो गया है, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत लाइट फील करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बस लाइक और उसके लिए शेयर कर दीजिएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है और यही मेरी चार्जेस भी हैं आप लोगों को आसन बताने के। 2 फीस लेती हूँ सिर्फ मैं, एक लाइक और शेयर का, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं सब लोगों की हेल्प कर। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।